गुड मॉर्निंग अभी अभी रवि जी बोल रहे थे कि बिहार तो आगे चल ही रहा है यूपी भी लगा है आवाज भी नहीं दिख रहा लेकिन गुड मॉर्निंग क्या बात है जोड़ जाता लिया सभी के लिए अच्छा कितने सिक्स लाइन अचीवर्स हैं यहाँ पे एफओडी अचीवर्स प्लीज खड़े हो जाइए अपने जगह पे प्लीज एक जबरदस्त तालियां इन सभी रस्यूबर्स के लिए जबरदस्त जोरदार तालियां क्या बात है प्लीज तो सबसे पहले तो आप सबों को बधाई देता हूं मैं और दोस्तों अभी रफीक जी ने भी बात की अभी हमारे विक्रम शेट्टी सर ने भी बात की कंपनी जो ये सिक्स लाइन के ऊपर में लगातार आपको बता रही है काम करने के लिए 2021 से यह सिलसिला चल रहा है और अभी मलेशिया जाने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है इसके अंदर भी क्या छुपा हुआ है ये लगातार कंपनी आपको तैयार कर रही है क्योंकि दोस्तों आपको कुछ चीजें समझनी है हम लोग जिस बिजनेस में है ना कुछ चीजें इसकी बेसिक है और तीन चीजों को आपको हमेशा समझना है आदमी क्या होता है कि डीएक्सएन में जुड़ता है और जुड़ते साथ वो स्टेटस के पीछे भागना शुरू करता है कि मुझे जल्दी से स्टार एजेंट बन जाना है मुझे जल्दी से रूबी बन जाना है जैसे भी करके डायमंड बन जाना है और क्या होता है कि अभी रविक्षरी बता रहे थे कि ये ऑफर में भी कई सारे लोग जुगाड़ करके क्वालिफाई किए हैं। तो हमारा नेचर हो जाता है हम जुगाड़ करके कैसे भी स्टेटस लेना चाहते हैं लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि आप इस बिजनेस में आए हैं किस लिए स्टेज पे चढ़ के माला पहनने के लिए या पैसा कमाने के लिए ये पैसा कैसे आएगा असली जड़ ये माला पहनना बहुत आसान है पैतालीस हजार पी जोड़ के हो जाएगी आप बन जाओगे स्टार एजेंट आपको यहाँ पे चढ़ा के माला पहना दिया जाएगा लेकिन घर जाके खुशी आपको तब मिलेगी जब बोनस स्टार एजेंट वाला होगा सही है गलत है तो आपको यह समझना है कि सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले हमको फोकस कहां पे करना है कंपनी क्यों बार बार आपको बोल रही है कि अपने स्ट्रक्चर के ऊपर में काम कीजिए सबसे पहली चीज मैं बोलता हूं कि जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं यहां पे स्टार एजेंट या उससे नीचे वाले कितने लोग हैं कोई भी नहीं है सब स्टार एजेंट यहां पे कुछ लोग हैं गिने चुने लोग हैं एनीवे anyway, स्टार एजेंट स्टार रूबी जो भी हैं आप निचले लेवल पे जब डीएक्शन की आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो हम लोग बहुत बार टारगेट अपना लेते हैं कि नया बंदा ने टारगेट लिया कि मुझे फलाना डेट में स्टार एजेंट बनना है मैं बोलता हूं कि दोस्त आपको जिंदगी में कभी ये टारगेट लेना ही नहीं चाहिए स्टार एजेंट बनना कोई टारगेट में गिनती में आता ही नहीं है आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरा एक लाख पीवी का बिजनेस कब होगा फर्स्ट टारगेट अगर एक लाख पीवी के बिजनेस के पीछे भागेंगे आप तो स्टार एजेंट आप कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा ऑटोमेटिक बन जाएंगे आप तो टारगेट जब भी आपका पहला टारगेट होना चाहिए ग्रुप पीवी मेरा ग्रुप पीवी कितना है क्योंकि ग्रुप पीवी जितना सॉलिड होगा उतनी मजबूत इमारत आप खड़ा कर सकते हैं बेस वहीं पे है आपका दूसरा चीज पहली चीज ग्रुप पीवी बढ़ाई है वो जैसे ही बढ़ रहा है अगर आप बिजनेस में नए हैं अभी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत नहीं है अगर एक बंदा आपके नीचे मिल गया ऐसा जो भागने के लिए तैयार है जो क्राउन एम्बेस बनने के लिए तैयार है उसके साथ लग करके बिजनेस को खड़ा कर दीजिए अपने पीवी को मजबूत बना डालिए सबसे पहले हम लोग गलती कहां पे कर देते हैं हमको लगता है कि अरे ये थोड़ा आगे भाग रहा है इसको छोड़ देते हैं या बहुत बार हम लोग उसको लंगी भी मार देते हैं कि बेटा थोड़ा कंट्रोल में रहे दोस्त यही यही पाप जिंदगी भर आप रोते रहेंगे इस बिजनेस में एक बंदा भी आगे चलने वाला है उसके साथ लग करके बिजनेस को इतना मजबूत कर दीजिए वहां पे कि आपके पास मौका रहे जीवन में जब चाहे दूसरा तीसरा चौथा छठा बीसवा लाइन खोल के क्राउन एम्बेसर बन सकते हैं तो पहली चीज जो हमेशा आपका फोकस होना चाहिए ग्रुप पीवी और एक बंदे से भी अगर आगे बढ़ के काम हो रहा है उसकी मदद कीजिए दूसरा चीज क्या है स्ट्रक्चर एक बार जब मजबूत बिजनेस नीचे आना शुरू हो गया अच्छी पीवी आनी शुरू हो गई नीचे लीडरशिप आ गया आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी लाइन पे काम कीजिए जितना दम है जितनी ताकत है जितना आप संभाल सकते हैं बीस नहीं चालीस लाइन खोलिए आपके अपने हाथ में है और दोस्तों अगर ये दो चीज पे आप फोकस करते हैं तो स्टेटस अपने आप आएगा स्टेटस के लिए कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा तो हमको कहां पे काम करना है जड़ को मजबूत करना है और कंपनी बार बार आपको क्या बता रही है जड़ को मजबूत कीजिए तो यहां पे जितने भी अचीवर्स ने जड़ को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है आप सभी बधाई के पात्र हैं जोड़ रहा था लिया सभी के लिए तो आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा कर लिया जाए yes, कितने लोग करके आए हैं अच्छा मांग के आए हैं है कि शुक्रिया अदा करके आए पक्का yes, हमें से ज्यादातर लोग बस मांग ही रहे जिंदगी भर मांगे चला जा रहे हैं आज ये दे दीजिए कल वो दे दीजिए गलती से हमारे बजाय पड़ोसी को मिल जाए तो भी दिक्कत है कि भाई उसको काहे दे दिए सही है गलत है लेकिन दोस्तों एक बार इस नेचर को बदल के देखिए एक बार ऊपर वाले को थैंक्स बोल के देखिए जब आप गिनने बैठेंगे ना तो पता नहीं कितनी सारी चीजें अभी आप क्राउन एमस्टर नहीं है हो सकता है अभी एक लाख का चेक आपका नहीं आ रहा होगा लेकिन इसके बावजूद हो सकता है बिजनेस में आज आए ही हैं आप अभी आपने फॉर्म भरा है लेकिन इसके बावजूद आपके जीवन में जाने कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए आप थैंक यू बोलते बोलते थक जाएंगे गिनती खत्म नहीं होगी और थैंक यू बोलना किस लिए जरूरी है थैंक यू बोलना इसलिए जरूरी है थैंक यू बोलना सुपर पावर है दोस्तों भगवान ने आपको जीवन दिया है और इतने सारे सुपर पावर्स भी दिए हमको पता नहीं है हम लोग अनिभिज्ञ हैं या जानते नहीं है या तो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और थैंक यू बोलना भी एक सुपर पावर है एक, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि एक, एक पिताजी जिनके दो बच्चे थे वो कहीं बाहर में घूमने जाते हैं और जब बाहर में घूमने जाते हैं तो बाहर में किसी दुकान में हो जाते हैं और अपने दोनों बच्चे के लिए दो कार खरीद के लाते हैं कि मेरे बच्चों के लिए दो कार ले लेते हैं और जब घर आते हैं दोनों बच्चों को आवाज लगाते हैं और दोनों बच्चों को वो कार दे दी जाती है उसमें से एक बच्चा क्या करता है कि उस कार को फेंक देता है पैर हाथ को पटकता है और रोता है कि हमको ये वाला कार नहीं चाहिए कार हमारे लिए आप क्यों लाए वहीं पर जो दूसरा बच्चा है वो उस कार को लेता है पापा के गाल पे किस्सू देता है पापा को थैंक यू बोलता है और बड़ा खुश होकर उस कार के साथ में खेलने लग जाता है अब एक बात बताइए कि अगली बार जब पापा बाहर जाएंगे और कार खरीदने का उनके दिमाग में आएगा तो सबसे पहला प्यारा सा ख्याल किसके बारे में आएगा किस वाले बच्चे के बारे में आएगा जिसने उनको थैंक यू बोला था आप सोच के देखिए कि थैंक यू बोलने से हमारे पप्पा खुश हो जाते हैं ये ऊपर वाला पप्पा को अगर रोल थैंक यू बोलने लगे आप सोच के देखो क्या नहीं आ सकता है आपके जीवन में और दोस्त ऊपर वाले की कृपा जब हो जाए ना बोलते हैं ना राई को पहाड़ कर देते हैं पहाड़ को क्या औकात है हम लोगों की इस, इस बिजनेस ने वो सब दिया है जो कभी सोच नहीं सकते थे कभी सपने में नहीं सोच सकते थे जब अपने विद्यार्थी जीवन को याद करता हूं और ग्रेजुएशन में था मैं कोई सपना नहीं था कोई ड्रीम नहीं था जीवन के बारे में कोई प्लानिंग नहीं थी कुछ भी नहीं एक निखट्टू सा नौजवान एक एक बेमकसद की जिंदगी जीने वाला नौजवान लेकिन ये सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और ये मान सम्मान जो कुछ भी मिल रहा है दोस्त इस ऊपर इस वाली कृपा नहीं तो और क्या है हम लोग बोलते हैं कि बहुत पीवी आ रहा है बड़ा लीडर है यार पीवी तो आ रही है लेकिन ये प्यारे प्यारे लीडर्स हैं ये मांझी जी हैं इतना प्यारा बंदा ये यहां पे गुप्ता जी बैठे हुए हैं मेरे बस का नहीं था ये इन सबको अपने डाउनलाइन में लाना न जाने कितने लोग हैं सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ जब ऊपर वाले की कृपा होती है तब आपके साथ में होता है और ऊपर वाले की कृपा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आती है कि जो काम आप कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरी शिद्दत के साथ उस काम को लगातार 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 करते चले जाइए और और कोई दूसरा रास्ता नहीं भाई ये आगे के बदले पीछे जा रहा है एनीवे वे यहां पे स्क्रीन पे भगवान बुद्ध है और भगवान बुद्ध की ये लाइन दुनिया में सबको पता है द माइंड इज एवरी थिंग वट यू थिंक यू बिकम दुनिया में सबसे ताकतवर कौन सी चीज है आपका माइंड है। भगवान ने आपको बनाया है और बना करके इस धरती पे आप जो कुछ भी हासिल करने वाले हैं वो सारी की सारी शक्ति कहां पे डाल दी है सबका मैग्नेट यहीं पे है और ये मैग्नेट ऐसा नहीं है कि रंजन के पास है मांझी जी के पास है और किसी और के पास नहीं है ऐसा है क्या ये मैग्नेट भगवान ने सबको दिया हुआ है और एक बराबर दिया हुआ है बस हमको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए सबसे पहली जो तैयारी होती है अगर आप सक्सेस की बात कर रहे हैं तो सक्सेस की शुरुआत सबसे पहले कहां से होगी यहां से होगी सबसे पहले आपको अपने दिमाग को तैयार करना होगा किस चीज के लिए सक्सेस के लिए क्योंकि हमारा जो दिमाग है यहां पे एक डब्बा आपको दिख रहा है आप मान के चलिए कि आपका दिमाग है आप ऊपर में जो ये रेड कलर है ये प्रतीक है नेगेटिविटी का क्या है नकारात्मक चीजें और नीचे वाला जो ट्वेंटी परसेंट है छोटा सा हिस्सा है ग्रीन वाला ये क्या है पॉजिटिविटी है हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कचड़ा भरा हुआ है हर चीज के बारे में हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता तू इसके लिए नहीं बना है तेरे बस का नहीं है सही है गलत है पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में डाली गई हैं और दोस्तों अगर किसी शानदार मशीन के अंदर ये इतना पावरफुल है लेकिन उसके अंदर पेट्रोल की जगह में सिर्फ किरासन बढ़ा हुआ है फिर उस मशीन का हालत क्या होने वाला है क्या मन चाह रिजल्ट आएगा नहीं आएगा तो सबसे पहले हमको इसके ऊपर में काम करना है और क्या करना है हमको इसको बैलेंस नहीं करना है आधा आधा नहीं करना है अगर आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव रहा ना कौन जीतेगा ये पटका पटकी हमेशा चलता ही रहेगा कौन जीतेगा कुछ पता नहीं है इसको बिल्कुल ही पलट डालना है हंड्रेड परसेंट आप कभी नहीं कर सकते फिर आप भगवान बुद्ध हो जाएंगे हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकता लेकिन हमें क्या करना है 80 इसको पलट डालिए यहां पे ये गलती से मैंने इसको इसको पलटा नहीं है है पलट डालना है यहां पे ऊपर वाला क्या करना है एट्टी परसेंट नीचे वाला और ऊपर वाला को घटाते घटाते क्या करना है ट्वेंटी परसेंट कर देना है पॉजिटिव विचार यहां पे ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव विचार यहां पे कम होना चाहिए यहाँ पे ये महान वैज्ञानिक हमारे सामने खड़े हैं अल्बर्ट आइंस्टीन साहब इनकी एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी एंड इमेजिनेशन विल टेक यू एनी अब लॉजिक क्या होता है हम जितना जानते हैं उतने के बीच में ही हम सोचते हैं और उतने के बीच में ही हम तर्क कुतर्क कर लेते हैं आप आप कोई आदमी अगर चाय की दुकान चला रहा है और आप जाके उसको बोलो कि अरे ये चाय तो आप जिंदगी में पता नहीं कब से बेच रहे हो देखो आपकी जिंदगी कैसी है आप ये चाय देखो ये चाय पियो और इस चाय के बारे में बात करो ये चाय आपको लाखों रुपया महीना देगा देश विदेश घुमाएगा पता नहीं क्या करेगा लेकिन उस बंदे का लॉजिक क्या होगा जो उसके पिछले जीवन में उसने देखा है जाना है उसके आधार पे वो अपना लॉजिक देगा कि नहीं भैया ऐसा तो हम बहुत देखे ऐसा कोई सिस्टम काम नहीं करता है तो लॉजिक जब तक आप देते रहेंगे ना क्या होगा आप ए से बी तक जा सकते हैं लेकिन इमेजिनेशन इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कहां तक लेकर के जाएगी कोई लिमिट नहीं है आज आप कहां हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इमेजिनेशन आपको कहीं भी लेकर के जा सकती है तो आप अगर इस बिजनेस में आ गए हैं सबसे पहली चीज क्या करनी है अपने विजन को बड़ा करना है दोस्त आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा आपका विजन होता है आपके विजन से बड़ी आपकी जिंदगी हो ही नहीं सकती है एक आदमी जिंदगी भर कचड़ा साफ करते हुए अपनी जिंदगी जी के मर जाता है क्यों उसका विजन कभी उससे बड़ा एक आदमी रेलवे की नौकरी पकड़ ले और टिकट खिड़की पे बैठा हुआ पूरी जिंदगी काट के मर जाता है क्यों उससे बड़ा विजन उसने लाइफ में देखा ही नहीं आपके विजन से बड़ी आपकी जिंदगी कभी भी नहीं हो सकती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने विजन को बड़ा नहीं कितना बड़ा करना है बहुत बड़ा जितना बड़ा इमेजिनेशन कर सकते हैं कीजिए देन दोस्तों दुनिया कुछ नियमों पे चलती है एक नियम होता है ग्रेविटी का नियम आप अच्छे आदमी हैं चाहे बुरे आदमी हैं आपको अगर छत पर से फेंक दिया जाए तो कहां जाएंगे आप पक्का है कि नीचे आएंगे क्योंकि एक नियम काम कर रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी का नियम उसी तरीके से दुनिया में ढेर सारे नियम है प्रकृति के बनाए हुए जिसमें से पहला नियम क्या बोलता है लॉ ऑफ एवं इसको बोलते हैं प्रचुरता का सिद्धांत यानी दुनिया में हर चीज प्रचुर मात्रा में है भरपूर मात्रा में है कुछ कमी है ही नहीं और एक दूसरा सिद्धांत भी है वो सिद्धांत क्या बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सिद्धांत क्या बोलता है कि जिस चीज को आप मांगोगे जिस चीज को आप चाहोगे जितना आप चाहोगे आपके पास उतना ही आएगा उससे ज्यादा नहीं आएगा अगर ये आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको आपको एक तस्वीर से दिखा सकता हूं ये जो पीछे समुन्दर दिख रहा है ना ये लॉ ऑफ एवंडेंस का प्रतीक है समुन्द्र में कितना पानी है कोई है यहां सोख लेगा आप आप कितना निकाल सकते हो आप उतना ही निकालोगे जितना निकालने की आपने तैयारी की है जितना निकालने का आपने सोचा है आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर निकालोगे आप ट्रक लेके जाओगे तो ट्रक भर के निकालोगे रेलगाड़ी लेके जाओगे जितना लेके जाओगे जितना मांगोगे उतना मिलेगा सिंपल सा है तो अब ये लॉ ऑफ अबेंडेंस दुनिया में हर चीज प्रचुर मात्रा में है और हमको कितना मिलेगा कैसे मिलेगा इसका नियम बहुत ही सिंपल है क्या नियम है मांगो विश्वास करो अगर आपको चाहिए दुनिया में प्रचुर मात्रा में है कोई भी चीज लेकिन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहली चीज क्या करनी होगी बिन मांगे कुछ भी मिलता है बिना मांगे कोई 135 सौ टीवी दे के जाता है आपको जाना होता है फील्ड में काम करना होता है दोस्त सबसे पहली चीज है आपको क्या करना है मांगना है देन क्या करना है बिलीव करना है विश्वास करना है क्या विश्वास करना है ये विश्वास कि ये चीज मुझे मिल चुकी है ये चीज मुझे मिल चुकी है अभी शायद परसों अग्रवाल सर का ट्रेनिंग चल रहा था दोपहर में आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा इस चीज के ऊपर में ही बात कर रहे थे वो हमें पता हमें बिलीव होना चाहिए कि वो चीज हमारी हो चुकी है इस बिलीव के बिना अगर आप जाएंगे तो आपका मांगा हुआ चीज क्या हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा आपको नहीं मिलने वाला है तो मांगिए विश्वास कीजिए और पाइए सिंपल सा नियम है दुनिया में कुछ भी आप जो चीज भी चाहते हैं अपने जीवन में यह हर चीज आपको मिल सकती है किस नियम के आधार पे कि दुनिया में हर चीज पर्याप्त मात्रा में है आप जितना मांगेंगे उतना आपको मिल जाने वाला है देन अब क्या करना है जब आपने मांग लिया ऊपर वाले से तो ऊपर वाला कभी भी आ करके आपके घर में खड़ा नहीं हो जाएगा कि बेटा तू कार मांगा है तो ये ले कार ऐसा है आपने घर मांगा और ऊपर वाले ने आके बोला कि बेटा मैं तेरी तपस्या से खुश हुआ ये ले घर ऐसा कभी हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्त जब आप मांगते हैं तो ऊपर वाला एक इशारा करता है ऊपर वाला कभी नहीं ये बताता कि बेटा ये ले सीधा डायरेक्टली कभी मिलने वाला नहीं है ऊपर वाला क्या करेगा इशारा करेगा ऊपर वाला आपको क्या देगा चांस देगा आप आप जब डीएक्शन में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या कभी कोई आपको प्लान दिखाने आया था तो आपको ऊपर वाले ने क्या दिया था आपको एक चांस दिया था देन उसको चुनना या नहीं चुनना किसके हाथ में ऊपर वाले ने मौका दिया लेकिन उसको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे ये किसके हाथ में है आपके हाथ में है। चॉइस करना आपके हाथ में है, लेकिन सिर्फ चॉइस कर लेने से नहीं होगा एक तीसरी चीज भी है यहां पे। ये क्या है चेंज करना होगा अब आपको अपनी आदतों को क्या करना होगा बदलना होगा ढेर सारे बदलाव अपने जीवन में लाने होंगे देन आपको क्या होता है मांगी हुई चीजें मिलती है डीएक्शन में बदलाव का मतलब क्या है डी एक्शन में बदलाव का मतलब है सिस्टम को अपनाना कल तक आपकी आदत थी घर में आराम से बैठे रहने की अब आपको एक नई आदत लगानी होगी लोगों से बात करने की सही है गलत है कल तक जब आप खाली बैठते थे तो आराम से आंख मूंद के सोते थे अब क्या करना होगा जैसे ही खाली वक्त मिले एक किताब ले लीजिए या आजकल बड़ा सुंदर यूनिवर्सिटी है यूट्यूब यूनिवर्सिटी आप जो चाहें दुनिया के जिस लीडर को सुनना चाहे आपके सामने मौजूद होता है आप आप सुन सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको चांस मिला आपने चॉइस किया अब आपको क्या करना है चेंज करना है चेंज करने के लिए कितने लोग तैयार हैं सारे लोग तैयार हैं तो चेंज क्या करना है मैंने शुरू में ही बताया था कि सारा का सारा खेल यहाँ पे इसको सही खुराक मिल गई कुछ भी हो सकता है यहां पे जो व्यक्ति हैं आपने आज से पहले इनका नाम नहीं सुना होगा मैंने भी दो तीन दिन पहले से दो तीन दिन पहले के पहले तक नहीं सुना हुआ था इंटरनेट पे कुछ रिसर्च कर रहा था उस दौरान मुझे मिल गई है इनका नाम है मिस्टर क्लॉस स्कॉब और ये एक जर्मनी के हैं और फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर है कोई ऐसे वैसे मामूली आदमी नहीं है दुनिया के एक बड़े आदमी इन्होंने एक किताब लिखी है इस किताब का नाम है द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति के बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मोटा मोटी आपको बताता हूं कि सबसे पहला माना जाता है कि जब पहिया का आविष्कार हुआ तो तो दुनिया में ये बहुत बड़ी क्रांति थी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया पहिया का आविष्कार दूसरी दूसरी जो क्रांति आई वो थी इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी बिजली का आविष्कार हो गया तो क्या हुआ इसने आदमी के काम को और ज्यादा आसान बना के रख दिया ये दूसरी दूसरी रेवोल्यूशन का ये शुरुआत इसको माना जाता है देन तीसरा जो रेवोल्यूशन था ये था इंटरनेट जब इंटरनेट आया तो इसने दुनिया को क्या किया बिल्कुल ही बदल के रख डाला लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि चौथी जो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और इनका कहना है कि ये कोरोना काल में शुरू हो गया कोरोना काल जिस समय दुनिया इतने विपत्ति में घूम रही थी इतनी तकलीफ में थी उस दौरान में क्या हुआ चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई और ये कैसे बोलते हैं ये कौन सी चीजें हैं जो अब दुनिया को बदलने वाली हैं? तो दुनिया को अब ये चार चीजें बदलने वाली हैं। ये चार चीजें क्या है सबसे पहले चीज है आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज के डेट में आप आप लखनऊ में बैठे हुए हैं और आपके बहुत सारे यहां पे स्टॉकिस्ट होंगे उनका एक स्टॉक पॉइंट है वहां पे एक कैमरा लगा हुआ होगा और अभी आप मोबाइल में बैठे बैठे कहा मॉनिटर कर रहे हैं अपने अपने बिजनेस को मॉनिटर कर रहे हैं ये क्या हो रहा है इंटरनेट के द्वारा थिंग्स को मॉनिटर किया जा रहा है आपके छत पे पानी की टंकी लगी हुई है उसमें एक सेंसर लगा हुआ है पानी भर गया अभी आपको बंद करने जाना है नहीं जाना है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और पानी का लेवल जैसे ही एक, एक जगह पे आएगा क्या होगा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा तो अभी क्या हो रहा है कि दुनिया भर में लगभग सात बिलियन सात बिलियन एक बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों सात बिलियन ऐसी चीजें हैं जो आज इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगले सिर्फ दो सालों में यह लगभग तीन गुनी हो जाने वाली यानी दुनिया को बदल के रख देने वाली है कौन सी चीज आईओटी देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आप लोगों ने एक नाम सुना होगा चैट जीपीटी सुना या नहीं सुना है नहीं सुना है जाइएगा घर पे आराम से गूगल कीजिएगा यूट्यूब कीजिएगा जानकारी मिल जाएगी ये क्या है इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं आपकी आंखें फटी रह जाएंगी अब वो वीडियो प्ले कीजिएगा हाँ, क्रोम में

कंप्यूटर uh, आ रहे थे तो सर uh, सबको लग रहा था कि जॉब नहीं बचेगी बट उसके बावजूद आज के टाइम पे जॉब्स बढ़ी सो आई थिंक ए आई आएगा बट ह्यूमन बींग का जो वो है वो एसेंस वो मतलब तो रह ही रहेगा ये हो सकता है कि जॉब बिल्कुल खत्म नहीं होंगे लेकिन जहां हमें दस कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती थी वहां से वो पांच जरूर हो जाएंगे क्योंकि आधा काम चैट जीपीटी कर रहा है बल्कि कम भी हो सकता है उससे ज्यादा कितने हैं जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है दिस इज ऑल वॉट आई कैन से और चैट जीपीटी अकेला नहीं है अभी उसका बहुत ज्यादा बस क्रिएट हो गया है मार्केट में बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ए आई बेस्ड है और अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को और अब क्या हो रहा है इस बार पहली बार हिस्ट्री में कि सब कुछ जो अलग अलग था वो सिंथेसाइज हो गया है वो सब कुछ एक साथ आ गया है तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन और ये बात आप कर रहे हो आज यानी चैट जीपीटी चाय के बारे में आप बात कर रहे हो सोचो फाइव में क्या होगा सिक्स में क्या होगा टेन में क्या होगा बिल्कुल ऐसा है जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था या जब मोबाइल आया था तब कैसा था और आज कैसा है तो आप समझ सकते हो कि अगले दो साल में पांच साल में दस साल में क्या होने वाला है इंडिया में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं या तो वो इग्नोरेंट है यानी उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है या वो डिनाइल मोड में आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं उससे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आप लोगों को समझ आएगा कि दुनिया आप किस डायरेक्शन में भाग रही रहेगी चैट जीपीटी के बारे में किसी को पता है कि कितने इंप्लॉयीज हैं उस कंपनी में एनी जिसको आइडिया हो किसी को नहीं पता उस कंपनी में आज से एक साल पहले थे दो सौ आज है सिर्फ चार सौ तो आप सोच करके देखो एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 सौ एम्प्लॉयज है उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों इंप्लॉइज है तो इंप्लॉयज की जरूरत कहां है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए और इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है चाहे वो मशीनरी हो फिर चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी इस बार फर्क ये है ए आई को हमने डेवलप किया अब ए आई को डेवलप कर रही है यह बात समझनी बहुत जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी इंटेलिजेंट होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है खुद समझ पा रही है और उसमें से रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही है दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मच फास्टर देन थॉट जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से ये ग्रो हो रही है मशीन काम कर रही है इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं मशीन को पहले हम ट्रेन करते हैं फिर उस मशीन को जितना हम यूज करते हैं वो मशीन और ट्रेन होती चली जाती है ए के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में उन्होंने आज से दस साल पहले पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं लेबर वर्क करते हैं ड्राइविंग करते हैं ये करते हैं वो करते हैं रोबोटिक्स आएगा और वोली जॉब चली जाएगी ऐसे हमने मूवीज में भी देखा है साईफाई मूवीज में फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए फॉर एग्जाम्पल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो कोडिंग कर रहे हो उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स जैसे फोटोग्राफर्स हो गए डिजाइनर्स हो गए विजुअलाइजर्स हो गए राइटर्स हो गए इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब और व्हाइट कलर जॉब्स मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मेरी बात एक काम करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी एआई से वो यहां पर प्ले करता हूं एक बार अब ध्यान से देखो इस इमेज को क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है रोबोट लग रही है या एक असली फीमेल लग रही है इन लोगों ने क्या किया है बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे है यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस उन सबको बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया उसको रीड किया उसको समझा उससे सीख लिया तो कहीं से आंखें पिक करी कहीं से नाक पिक करी कहीं से लिप्स पिक करे कहीं से ज्वेलरी पिक करी कहीं और से कुछ पिक किया अब ये फीमेल इज पॉसिबिलिटी पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं क्योंकि लड़की तो कहीं आई नहीं इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है जो लुक है इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती बीस हजार से लेकर के पचास हजार रुपए एक दिन की ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट होती अगेन पंद्रह बीस हजार रुपए से लेकर के पचास हजार रुपए इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता क्योंकि ये इमेज ऑर्डनरी इमेज नहीं आप लोग एमेचोर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम पचास हजार रूपये से लेकर के लाख रुपए इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम पांच से दस हजार रुपए इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गार्मेंट्स को हायर करेगा ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी वट तो कितने सारे लोग चाहिए अब इन सब लोगों का क्या होगा तो मैं सच को देख पा रहा हूं आई एम नॉट इन अ डिनाइल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू तो आने वाले एक दो साल के अंदर तीन साल के अंदर जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा मॉडल्स का क्या होगा स्टाइलिस्ट का क्या होगा ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल तो एक झटके के अंदर अंदर कि... ये कितना अभी आपको समझ में आया मुझे पता नहीं लेकिन आपको यह चीज समझना है कि कितने सारे जॉब्स आने वाले समय में खतरे में उन्होंने दिखाया कि सामने जो तस्वीर खड़ी है वो एक सच्ची महिला नहीं है यानी कि एक महिला जो मॉडल बन सकती थी उनका जॉब गया वो फोटोग्राफी चूंकि फोटोग्राफर ने नहीं खींचा हुआ है तो फोटोग्राफर की जरूरत भी तो कितने सारे जॉब किसकी वजह से गायब होते जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा देन है रोबोटिक्स जो लेबर वाले काम है ये तो हो गया इंटेलिजेंट लोगों वाला काम और जो लेबर वाले काम है जो मेहनत वाले काम है आप कहीं होटल में जा रहे हो आपको बहरा चाहिए जो आगे खाना पहुंचाएगा आप जापान यूट्यूब पे सर्च कीजिए जापान में ढेर सारे ऐसे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे जो मानव रहित हैं वह आदमी है ही नहीं आप जाओगे मशीन से पैसा पे करोगे और मशीन ही है जो सब कुछ खाना वाना ला के देगा प्लेट उठा कर ले जाएगा सब मशीन कर रहा है तो आप सोच के देखिए दुनिया बदलने वाली है और ये साहब बोलते हैं कि ये इन तीन चीजों ने जो दुनिया को बदल के रख दिया इस कोरोना के दौर में और एक चौथी चीज है जो इस दुनिया को बदल के रखने वाली है जो मार्केटिंग का कल तक का तरीका था वो मार्केटिंग का तरीका बदल रहा है और नया मार्केटिंग कौन सा है सोशल मार्केटिंग ये सोशल मार्केटिंग का तरीका आप और हम जो बिजनेस कर रहे हैं ये किस तरह के मार्केटिंग में आता है सोशल मार्केटिंग है हम सामाजिक काम कर रहे हैं समाज में एक दूसरे से मिल रहे हैं जुल रहे हैं और काम कर रहे हैं दोस्तों यहां ध्यान से देखिए आप कि ऊपर वाली ये तीनों चीजें मिलके चाहे कितनी भी पावरफुल हो जाएं लेकिन समाज में जिन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हम और आप कर रहे हैं इसकी जरूरत आज भी है कल भी है और जिंदगी भर रहने वाली है तो बाकी सारी चीजें दुनिया में और किसी के लिए भी खतरा हो सकती हैं लेकिन डीएक्शन वालों के लिए कहीं भी कोई खतरा मौजूद ही नहीं दोस्तों हम सब बहुत ही खुश नसीब है क्योंकि हम किस इंडस्ट्री के पार्ट हैं सेल्स और ये जो इंडस्ट्री है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशन एक गरीब से गरीब आदमी अगर चाहता है कि मैं अमीर से अमीर सफल से सफल बनूं तो उसके पास दुनिया में एक ही रास्ता है कौन सा रास्ता बेचने का रास्ता और ऐसे ना जाने कितने लोगों को हम लोग जानते हैं जिनमें से कुछ की तस्वीरें मैं आपको यहां दिखा सकता हूं यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये सब हमारी सोसाइटी के हमारी दुनिया के सफल लोग हैं और इन सब लोगों में आपको एक चीज कॉमन मिल जाएगी कौन सी चीज ये सारे के सारे लोग अपना प्रोडक्ट बेचने में कभी शर्म नहीं करते ये सुनो यहाँ पे सबकी तस्वीर है आप एक आम आदमी बिजनेसमैन से लेके यहाँ पे मोदी जी भी मौजूद है हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकिन आप देखिए जैसे ही इलेक्शन का समय आता है आपको टीवी पे विज्ञापन मिलना शुरू हो जाएगा कि भाई हमारी पार्टी ये कर रही है ये सिर्फ बीजेपी नहीं करती सारी पार्टियां करती हैं करती है कि नहीं यानी कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन है क्या है ये सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं आम आदमी और गरीब आदमी की बीमारी क्या है कि इसको बेचने से सख्त नफरत ये बेचना चाहता ही नहीं है कि भैया मेरे खानदान में आज तक किसी ने कुछ भी बेचा नहीं है ये सारे लोगों की खूबी है कि इनको जब भी मौका मिले जो भी मौका मिले एक चीज बेच के पैसा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं एक दूसरा चीज बेचने का भी तैयारी कर लेते हैं लेकिन एक गरीब आदमी और एक आम आदमी की मेंटेलिटी क्या है कि वो जिंदगी में दूसरी ऑपरचुनिटी चाहता ही नहीं है एक बच्चे ने क्या किया कि खूब तैयारी की और तैयारी करके रेलवे की नौकरी बन गया अब वो रेलवे में गार्ड है वो दिन में घंटे रेलवे के पीछे गार्ड बन के झंडी हिलाता है और उसको शाम में क्या हुआ कि एक दिन मुकेश वर्मा जी मिल गए और ये बोलते हैं कि भाई तू तो दिन भर तो छह घंटा दौड़ ही रहा है ये तेरी एक्टिव, एक्टिव इनकम का सोर्स है तो ऐसा कर ये चाय पी और पिला एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर ले वो बंदा क्या जवाब देगा मेरे पास टाइम ये कौन सी मेंटेलिटी है गरीब और मिडिल क्लास है कि हम एक बार एक ड्रीम देखते हैं और उस ड्रीम को पूरा हो जाने के बाद जिंदगी भर उसी में गुजार देते हैं हमने ड्रीम देखा है किराने का दुकान खोलेंगे अब सारी जिंदगी किराना का दुकान खोल के उसमें बैठे बैठे बिता देने वाले हैं लेकिन वहीं पे पटेल जी आके एक दिन बोलेंगे कि भैया ये तो दिन भर तो बैठा ही रहता है चल जरा पार्ट टाइम में ये भी कर ले तो क्या बोलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना है कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो किस इंडस्ट्री में हैं? कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और आप सब सौभाग्यशाली हाँ हैं कि आपको यह अवसर डीएक्शन ने दिया है तो बेस्ट करियर के अंदर आप आ गए हैं क्योंकि अगर बेचने की बात की जाए ना दोस्तों तो दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है दुनिया का पहला चीज आप या तो बेचेंगे सेवा या सामान या तो आप कोई सर्विस बेच रहे होंगे या तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे आपको बेचना है अगर ये नहीं बिका तो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म और ईमान बेच के भी पैसा कमा रहे हैं उनकी भी रोजी रोटी चल रही है और दोस्तों अगर ये ये दोनों चीज भी आप ना बेच पाए तो गारंटी है कि एक चीज आपको बेचनी पड़ेगी वो क्या होता है आप आप जिंदगी भर दुख और तकलीफ में जिएंगे आप अपने आप, आत्म सम्मान का गला घोट घोट के जिएंगे तो दोस्तों ये तीनों में से कोई ना कोई चीज तो हमें बेचना ही बेचना है अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हैं और सेल्स भी तीन तरीके के होते हैं पहला जो तरीका है दैट इज सैलरी बेस्ड आपको किसी कंपनी ने हायर किया कि भैया तुझे इतना पैसा दूंगा बदले में तू ये सामान बेच अब आप थोड़ा कम बेचो थोड़ा ज्यादा बेचो कंपनी उतना देख लेगी आपको एक फिक्स पैसा मिल जाएगा यह हुआ सैलरी बेस्ड दूसरा होता है कमीशन बेस्ड कि आप जितना बेचोगे आपको उतना कमीशन हम देंगे अगर 10 बेचोगे तो 10 देंगे 20 बेचोगे तो 20 बेचेंगे एक भी ना बेचे तो कुछ भी नहीं देने वाले आपको ये होता है कमीशन बेस्ड देन तीसरा ये कौन सा है नेटवर्क बेस्ड और इसके अंदर में खूबी क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है बाकी के ऊपर वाले दोनों जो कैटेगरी ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ये अमीरियों का तरीका है और दोस्तों इस बिजनेस को समझने के लिए एक एक लखनऊ की जबरदस्त पर्सनालिटी यहां पे मैं जाऊँगा एक जोरदार तालीम के लिए होनी चाहिए दोस्तों मार्केटिंग प्लान को समझने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि ये बिजनेस आपके लिए ऐसा क्या कर सकता है जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं कर सकती दोस्तों आप कुछ भी बेच के और दूसरा कोई भी तरीका से पैसा कमा सकते हो लेकिन जो ये बिजनेस आपको दे सकता है ना वो और कहीं नहीं मिलता है इसके जीते जागते प्रमाण है ये ग्रेट लीडर डी के पांडे सर जो कि आपके उत्तर प्रदेश से लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं आजमगढ़ में एक जमाने में नौकरी किया करते थे दोस्तों एक बैंकर जिन्होंने न जाने कितने सालों तक बैंक की सेवा की और महीने में जो तीस ईमानदारी से वो बैंक की सेवा करते थे और चार दिन जो बैंक से छुट्टी वाला दिन होता है रविवार के रविवार ईमानदारी से इस, इस बिजनेस को बिल्ड करते थे डी एक्शन बिजनेस को बिल्ड करते थे और दोस्तों जब इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई बैंक वालों ने पच्चीस हजार रुपए दे करके दाह संस्कार के लिए पल्ला झार लिया था लेकिन आज अगर इनके घर में खुशियां हैं आज आज इनका बच्चा पता है कहाँ पढ़ रहा है जहां से हमारे दैटुक डॉक्टर लिम सियोजिन ने आईआईटी किया था खड़गपुर से वहां इनका बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है आप सोच के देखिए और दोस्तों ये सब कैसे पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ चार दिन ईमानदारी से इस इस बिजनेस को बिल्ड करके आप सोच के देखिए कि इस बिजनेस को हमको बिल्ड करना क्यों है आप सिर्फ हजार रुपए दो हजार रुपए और एक लाख रुपए के लिए इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे हैं दोस्त बैंक का बैंक का इंप्लॉई मर जाए उसके परिवार वाले बैंकर नहीं होते लेकिन ये डी में डबल डायमंड इनकी मृत्यु हुई थी आज इनकी पत्नी डबल डायमंड है इनके बच्चे डबल डायमंड है उनकी आने वाली पीढ़िया डबल डायमंड तो दोस्तों ये ये सिस्टम बिल्ड करने का बिजनेस है और इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड करना जरूरी है देन अगला जो रीजन है इस बिजनेस को हम क्यों बिल्ड करें दोस्त दैट इज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इनमें से कुछ तरीके की जिंदगी जी रहे हैं सबसे पहला जीवन होता है लाइफ ऑफ सरवाइवल कर रहे हैं किसी से दो वक्त की रोटी आ जा रही है इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सरवाइवल दूसरा होता है लाइफ ऑफ नेसेसिटी हमारा जीवन ऐसा चल रहा है कि हमारी जरूरतों की सारी चीजें पूरी हो जा रही हैं। एक अच्छा जीवन हम जी रहे हैं देन उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो होता है लाइफ ऑफ कंफर्ट आपका जीवन और आनंदमय है आपके पास चलने को फोर व्हीलर है आपके घर में एसी लगा है एक शानदार घर में रहते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं सारी सुविधाएं आपके पास है लाइफ ऑफ कंफर्ट देन आता है लाइफ ऑफ एक्सलेंस कि आपके पास बेहतरीन सुविधाएं हैं है ना कार पे चलना कंफर्ट है लेकिन मर्सिडीज में चलना क्या है एक्सेलेंस है तो आपके पास एक्सलेंस है आपके पास सब कुछ बढ़िया है लेकिन दोस्त इन सब से ऊपर एक जीवन होता है और इस जीवन को बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यानी एक ऐसा जीवन जिसका कुछ अर्थ हो एक ऐसा जीवन जिसका कुछ मतलब हो और दोस्तों ये सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है अगर इसको हिंदी में लिखूं मैं तो जब आप अपने जैसी उपलब्धियां दूसरों के जीवन में लाते हैं तब आपकी लाइफ क्या कहलाती है सिग्निफिकेंस कहलाती है और ये जीवन ये जीवन आपको कौन देता है दोस्त डीएक्शन देता है मैं बोलता हूं दोस्त की डीएक्शन में क्राउन डायमंड बनना और क्राउन एम्बेस बनना सफलता की पहचान नहीं है एक आदमी जिस दिन खड़ा हो गया ये बोलने वाला हो गया ना कि मैं असफल हूं इनकी बदौलत उस दिन आप सफल होते हैं। उस दिन आप सफल होते हैं। और ये ये मौका आपको ये बिजनेस देता है दोस्तों आपकी लाइफ को सिग्निफिकेंट बनाता है ये बिजनेस है ना तो लाइफ को सिग्निफिकेंट बनाना क्या है दैट इज एन आर्ट मेहनत करनी होगी सिग्निफिकेंट आपका लाइफ जो है ना वो ऐसे ही नहीं बनेगा कुछ करना होगा उसके लिए और तीन चीजें हैं यहां पे क्या है चीजें सबसे पहली चीज है विल आपको ड्रीम देखने होंगे आपको गोल सेट करने होंगे अभी काफी सारी बात हुई है इसके ऊपर में मैं वहां नहीं जाऊंगा आपको अपने डिजायर सेट करने होंगे डिजायर कौन सी चीज है ऐसी चीज जो चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे चाहिए और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं तो पहली चीज है विल दूसरी चीज है स्किल कुछ स्किल्स चाहिए इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए और वो पीपल स्किल है पीपल स्किल में कौन से स्किल आते हैं कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप स्किल और ये सब कैसे डेवलप होगा दोस्तों धीरे धीरे डेवलप होगा सीख सीख के डेवलप होगा सेमिनार्स को अटेंड करके देखना डेवलप होगा किताबों को पढ़ के डेवलप होगा एक बड़ी प्यारी सी कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल की जब बात आती है तो एक बड़ी प्यारी किताब है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार आप में से कई सारे लीडर्स ने पढ़ा होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना यार शायद सौ या डेढ़ की किताब है मात्र आपको जीवन में ये किताब निश्चित रूप से खरीद करके पढ़नी ही चाहिए क्योंकि मैं मैं ये मानता हूं कि जो एक नेटवर्कर होता है ना उसको तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी आंधी आए वो ऐसे झुक जाए कितनी भी आंधी है ना बेटा ऐसे झुक जा फिर खड़ा हो जा यही इसको बोलते हैं नेटवर्कर और लोक व्यवहार आपको ऐसा ही बनना सिखाता है बेहतरीन दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक किताब है वो तो ये ये स्किल्स हैं जो आपको धीरे 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 क्या करना है डेवलप करना होगा देन फेथ दोस्तों फेथ होना चाहिए बिना विश्वास के आप कहीं भी नहीं जा सकते आपकी जिंदगी एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आपका फेथ होता है तो विश्वास आपके अंदर कूट कूट के बड़ा होना चाहिए देन तीसरी चीज है विल स्किल और रिफिल रिफिल में क्या आता है रीलर्न री रिविजिट री -री 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 हम लोग क्या होता है ना दो तरीके के लोग होते हैं एक एक बोलता है कि मुझे कुछ नहीं आता है और दूसरा बोलता है कि मैं तो सब जानता हूं अब मेरे ज्यादा कौन जानता है जाहिल कौन है एक आदमी है जो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं सुनने और दूसरा बोलता है कि मेरे से बड़ जानकार कौन है जाहिल कौन है ये ये आप अंदाजा लगाइए जाहिल कौन है दोस्तों कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा सीखते हैं जितना ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है उतना ज्यादा आपको लगता है कि हम तो अभी और भी अज्ञानी हैं दुनिया के जितने भी हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं एक जोरदार ताली में चाहूंगा सर के लिए आज भी जब भी आपकी उनसे मुलाकात होगी कितनी सफलता है उनके जीवन में इतनी सफलता के बाद वो जब भी आपसे मिलेंगे आप देखिएगा उनके हाथ में एक नई किताब जरूर होगी एक नई किताब के साथ वो हमेशा मौजूद होते हैं तो क्या करना है अपने आप को रीफिल करते रहना है जिस दिन आपने अपने आप को रीफिल करना बंद हुआ कर दिया जिस दिन आपने सोच लिया कि अब तो भैया बहुत हो गया है उस दिन क्या होता है आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है दोस्त अगर जीवन में ग्रोथ चाहिए ना तो एक मंत्र आपको हमेशा याद रखना है जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली किसके तरफ होती है इस मंत्र को हमेशा याद रखिएगा जीवन में कभी पीछे नहीं जाएंगे हम लोग क्या होता है ना कि अपनी जो कमियां होती हैं हम जो पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को खोज के सारा दोष किसके ऊपर डालते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा है पेस्ट अब पहले वाला नहीं है फलाना मेरा अपलाइन ठीक नहीं है मेरा स्टॉक पॉइंट दूर है पता नहीं क्या क्या लेकिन जब आप ये उंगली सामने वाले को दिखा रहे हैं, तो तीन उंगली कहां पे? जिस दिन आपने ये जान लिया जिस दिन आपने ये मान लिया कि सुधार अगर कहीं करना है तो कहां पे करना है अपने आप को करना है अपने आप को और बेहतर बनाना रीफिल करने की हैबिट आपकी बदलनी नहीं चाहिए तो ये तीन स्किल अगर आपने डेवलप कर लिए ना दोस्त क्या होगा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ेंगे आप देन कुछ चीजें और हैं जिनके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए कौन सी चीजें यहां पे सबसे पहले फेल होने के लिए तैयार होना यहां से कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं सारे लोग लेकिन मैं अगर पूछी कितने लोग हैं जो फेल होना चाहते हैं अभी कितने लोग हैं जो बोलेंगे फेल होना चाहता हूं आप किसी भी मीटिंग में जाके पूछ लो सफल होना कितने लोग चाहते हैं सब लोग हाथ खड़ा करते हैं फेल होना कितने लोग चाहते हैं चुप्पी छा जाएगी किसी को फेल नहीं होना है सबको पास होना है लेकिन दोस्तों पास वही होता है जो फेल होने के लिए तैयार होता है हम हम लोगों ने महान वैज्ञानिक एडिशन के बारे में सुना हुआ है कि एडिशन साहब ने किस चीज का आविष्कार किया था सिर्फ बल्ब का ही नहीं किया है दुनिया, बहुत सारा आविष्कार उनके नाम से और सिर्फ आविष्कार करके छोड़ा भी नहीं वो दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे जी इलेक्ट्रिक्स का अगर नाम आपने सुना हो जी इलेक्ट्रिक्स दुनिया की सबसे बड़ी एडिसन द्वारा डाली गई कंपनी थी वो तो एडिसन ने क्या किया कि उस जमाने में जब लोग लालटेन दिया लैंप पता नहीं क्या क्या जला रहे थे हम लोग उस जमाने में एडिसन ने बोला कि भैया हम एक ऐसा दिया जलाएंगे जिसमें आंधी तूफान का कोई जरूरत ना पड़ेगा और डेली शीशा साफ करने का भी कोई जरूरत तो जब सारी दुनिया दिया जला रहे था लैम्प जला रहा था लालटेन जला रहा था एक पागल क्या बोल रहा है कि भैया हम ऐसा बल्ब जलाएंगे जिसमें डेली हमको बत्ती बारना नहीं पड़ेगा शीशा साफ करना नहीं पड़ेगा तो दुनिया के सब लोगों ने क्या बोला जिसको जिसको वो बताया होगा एडिसन ने बताया होगा सबने क्या राय दिया होगा उसको कह रहे तू पगला गया है यार ऐसा भी हो सकता है क्या लेकिन दोस्तों फेल होने की कहानी अगर सीखनी है तो एडिसन से उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा दिया जलाऊंगा और बेचारे ने पता नहीं साल डेढ़ साल खूब मेहनत की जम के मेहनत की और एक दिन ऐसा आया कि पूरे मोहल्ले को बैठा करके बोले कि देखिए आज ये दीवा हम जलाने वाले जिसका नाम उन्होंने बल्ब रखा था और वो समय आया सारा मोहल्ला बैठा हुआ आप सोच के देखो देखने वाले लोग बैठे हुए हैं और बल्ब को जलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है उन्होंने यहां पे वो दिया लगाया और क्या किया इस स्विच को दबाया कि देखो अब ये जलने वाला है और जब स्विच को दबाया टिप तो यहां पे क्या हुआ बॉल नहीं चला यहां से आवाज आई धड़ाम फट गया आप सोच के देखो कि बंदे ने एक साल डेढ़ साल लगातार मेहनत किया था इतना करने के बाद आज पूरे मोहल्ले के बीच कैसी बेचती हुई बेचती आप सोचो जो, जो 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 वहां से देख के लौटे होंगे क्या क्या बोल रहे होंगे उस बंदे को क्या करना चाहिए था उस बंदे को छोड़ देना चाहिए था कि कहां से फितूर दिमाग में आ गया है मेरे लेकिन वो पागल आदमी उसने क्या किया बोला कोई बात नहीं एक महीने बाद आप लोग को फिर से दिखाएंगे यही तमाशा फिर से उसने एक महीने पूरी प्रैक्टिस करी सब तैयारी किया और फिर से लगा दिया सेटअप और बोला कि बस अब देखिए तो और क्या क्या होता है दबाया टिप हुआ फिर आप आप सोच के देखिए उस आदमी पे क्या बीत रही होगी दोस्त एक दो बार नहीं एडिसन की कहानी अगर आपने पढ़ी है सुनी है तो एक दो बार नहीं दस बार भी नहीं बीस बार भी नहीं तीस बार भी नहीं कितनी बार लगभग एक हजार बार फेल होने के बाद में उनको क्या मिला था एक, एक सही बल्ब बना पाए थे सही बल्ब जला पाए थे तो ये क्या दिखाता है दोस्त कि क्या हम बार बार फेल होने के लिए तैयार हैं? में जब आएंगे ना तो ये एडिशन वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है क्योंकि आप एक आदमी को जाके प्लान दिखाओगे वो क्या करेगा आपके बॉल को उड़ा देगा आपके पास अगर एडिशन वाली हिम्मत नहीं होगी तो क्या होगा दो चार दस बॉल जलाते के बाद मार्केट से आउट हो जाएंगे। ऐसा ही होता है लोगों के साथ में तो हमें फेल होने के लिए तैयार होना है हमें मिस्टेक्स करने के लिए तैयार करना है हमें क्या करना है रिमेन अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी बने रहना है इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ चाहिए एक ही तरीका है क्या है लगातार सीखते रहिए लगातार सीखते रहिए सर्व करने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों सेवा करने का ये बिजनेस है कल तक आपने जितना सेवा किया है आज उतना पैसा आपके अकाउंट में 10 या ग्यारह तारीख को आ जाता है अगर चाहते हैं ये पैसा और बढ़े आज से सेवा करना आपको क्या करना है और बढ़ा देना ये सेवा करने का बिजनेस है दोस्तों देन एक नेटवर्कर का काम है मेंटेन योर टेम्परेचर बहुत बार क्या होता है कि शाम अभी जैसे सेटी सर बता रहे थे कि आपकी चाबी किसके हाथ में होनी चाहिए आपके हाथ में होनी चाहिए नेटवर्कर का टेम्परेचर 100 डिग्री पे मेंटेन होना चाहिए यह नहीं कि सामने वाला आके भड़का दिया तो 110 डिग्री हो गए और सामने वाला आके पिन मार दिया तो तुरंत 50 डिग्री पे चले आए नहीं आपका टेम्परेचर 100 का 100 मेंटेन होना चाहिए सामने वाला अगर आलू आया है तो भरता बन जाएगा सामने वाला अगर अंडा आया है तो टाइट हो जाएगा ये ये, ये आपको करना है नेटवर्कर का टेम्परेचर कभी भी बदलना नहीं चाहिए एक मिनट टेम्परेचर में आपको चलना है और दोस्तों कुछ लोग जो अभी स्टार डायमंड नहीं बने स्टार रूबी नहीं बने हैं स्टार एजेंट नहीं बने हैं उन लोगों के लिए मेरे पास यहां दो सवाल है इसके जवाब आपको लेते जाने हैं आज पहला चीज क्या ये बिजनेस सही है क्या ये बिजनेस सही है अब आप इस बिजनेस इस इस, इस सवाल का जवाब आपको समझना है दुनिया की सारी ताकतें चाहती हैं कि आप खरीदने वाला बना रहे आप मार्केट से जब भी कोई चीज खरीद रहे हैं मार्केट से जब भी कोई सेवा खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी के नेटवर्क में खरीद रहे हैं कि नहीं अगर आप जियो का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो किसके नेटवर्क में है आप आप, आप धीरू भाई अंबानी के नेटवर्क में हैं। अगर आप एयरटेल का कर रहे हैं तो किसी और के नेटवर्क में है अगर आप टाटा की कार खरीदते हैं तो आप टाटा के नेटवर्क में है। सही है गलत है तो दुनिया की हर ताकत चाहती है कि आप उसके उसके नेटवर्क में एक खरीदार बने रहें लेकिन दोस्तों सिर्फ यही बिजनेस है जो चाहता है आप बेचने वाले बन जाइए ये सही है गलत है यह डिसीजन आपको लेना है देन दूसरा सवाल आपके मन में होता है कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं तो दोस्त इस सवाल का जवाब यह है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं। अर्जुन और कृष्ण की कहानी आपको पता है कृष्ण भगवान ने क्या दिया था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिया था सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चला था कौन आपका जो अपलाइन है आपका जो मेंटर है वो कृष्ण है वो आपको रास्ता दिखा सकता है चलना किसको होगा okay. तो दूसरे सवाल का जवाब है ये कि क्या आप अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं? हेलो कितने लोग तैयार हैं? Yeah. तो डेढ़ सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा थैंक यू सो मच